नमस्कार दोस्तों, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 30 सितंबर 2022। कल डॉलर इंडेक्स में और फर्दर करेक्शंस देखा गया, अभी है 112.12। फ्रॉम हियर हमें थोड़ा सा मींस नीचे की तरफ आपका 110-110.50 तक एक सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन अभी तक रिवर्सल के लिए कोई सिग्नल्स नहीं है, जस्ट ए टेम्पोररी करेक्शंस, शॉर्ट टर्म करेक्शंस। डॉलर रुपी कल ग्लोबल मार्केट में ये 81.94 तक हाई ट्रेड हुआ था एंड अभी है 81.59। अभी थोड़ी देर में ही आरबीआई पॉलिसीज है, जहां पे ऑलमोस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर डिसाइडेड कि 50 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक होगा, लेकिन हमें और भी कुछ देखना पड़ेगा अबाउट द लिक्विडिटी, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव्स हमारे दास साहब लेते हैं। यहाँ पे जो डेली कैंडल चार्ट है वहां पे हमने देखा है कि एक प्राइस रिजेक्शन हुआ फ्रॉम द अपर एंड। आज अगर आपका आफ्टर पॉलिसी अगर एक रेड कैंडल फॉर्म होता है, that is going to be the first signal. Just a second. That is going to be the first signal. फिर थोड़ा सा correction आ सकता है like this. और वो जो होगा कल के लो के नीचे क्लोज देगा, यानी आज का क्लोजिंग शुड बी लोअर देन द कल का लो के नीचे, देन वी मे एक्सपेक्ट सम सेल ऑफ। तो वो सेल ऑफ भी मीन्स यहाँ पे अच्छा खासा रूम है, बेसिकली 80 से 80.30 के बीच में एक रूपी अप्रिशिएट होने का एक प्रोबेबिलिटीज है। ऑन द हायर साइड मीन्स वी नीड टू बी वेरी केयरफुल प्लेइंग लॉन्ग। अगर कोई लॉन्ग खेलता है तो इंट्राडे में इन आउट करके क्लोज कर सकते हैं, और कोई अगर लॉन्ग लेके जाते हैं ओवरनाइट में, अगर कोई मेजर पॉलिसी डिसीजंस ओवरनाइट सडनली कुछ आ जाते हैं फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन रुपी में गैप डाउन ओपन, सो उसमें और भी ज्यादा खतरा है। सो टेक योर रिस्क प्रोफाइल अकॉर्डिंगली। जीबीपी डॉलर में कल कंटिन्यू हुआ आपका जीबीपी, दैट इज इट ट्रेडेड हाई ऑफ 1.1119। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो बॉन्ड परचेज का डिसीशंस लिया गया था उसके ऊपर करेंसीज में जीबीपी में अच्छा खासा रेस्पॉन्स, पॉजिटिव रेस्पॉन्स देख रहा है आपका फ्रॉम 1.05 लेवल्स। परसों का जो लो था 1.0538, वहां से अभी है 1.1097। जीबीपी आईएनआर में भी सिमिलरली हमने बॉटम लेवल से अच्छा खासा एक उछाल देखा गया है, तो हमें इमीडिएटली लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप नहीं करना है, थोड़ा सा और ऑब्जर्व करना है प्राइस एक्शंस को। यूरो डॉलर में भी अच्छा खासा लो से 0.9550 से अभी 9800, यहाँ पर भी अच्छा उछाल आया है। अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो है 0.9875 से 0.9925 के बीच में, तो ये लेवल पे ये रेजिस्टेंस लेता है या अपवर्ड मोमेंटम करता है वो हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। यूरो आईएनआर में भी अच्छा खासा तेजी देखा गया है, इम्पैक्ट ऑफ यूरो डॉलर एज वेल एज डॉलर रुपी दोनों का इम्पैक्ट से ये अच्छा खासा उछाल हम देखे हैं। तो यहाँ पर भी अभी एट द मोमेंट क्लैरिटी नहीं है कि ब्लाइंडली हमें लॉन्ग लेना है या शॉर्ट लेना है, थोड़ा सा केयरफुल अप्रोच देना अच्छा रहेगा। डॉलर येन, सरप्राइजिंगली डॉलर इंडेक्स अब देखो कहां से कहां तक आ गया, 114 से 112 तक आ गया है, लेकिन डॉलर येन वही का वही, सो इट्स गिविंग ए वेरी अलर्ट सिग्नल, यानी मार्केट पार्टिसिपेंट्स ओपनली लॉन्ग भी नहीं कर पा रहा है इन फियर ऑफ बीओजेस इंटरवेंशंस, और बीओजे भी मार्केट ऑब्जर्व कर रहा है, मींस पार्टिसिपेंट्स हाउ दे आर बिहेविंग, सो एक दूसरे को मॉनिटर करने का कोशिश कर रहा है कि अभी आप क्या करोगे। तो यहाँ पे हमें भी वही करना है कि हम दोनों को देखना है, बीओजे की भी देखना है एज वेल एज मेजर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी देखना है।
और आरएसए टर्म्स में तो ऐसे शॉर्ट का बिल्डअप आ रहा है, लेकिन इमीडिएटली हम शॉर्ट के लिए जाएंगे नहीं। हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन एक मिला है, इसके लो के नीचे क्लोज करेगा, देन लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस करेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन गो प्ले फ्रॉम द शॉर्ट साइड। ये आईएनआर में भी सिमिलरली वही हो रहा है, सेम थिंग, थोड़ा सा न्यूट्रलिटी है, अभी इंतजार करना पड़ेगा। डॉलर कैंडी में परसों के सेल ऑफ के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है, लेट इट कंसोलिडेट। अगर ये जो कल का जो ग्रीन कैंडल आया उसके लो के नीचे अगर क्लोज देता था आज या मंडे का सेशन में समथिंग लाइक दिस, देन एक अच्छा खासा सेल ऑफ हो सकता है। सेल ऑफ जो होगा देन इन सच ए केस 1.32 से 1.3250 की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। ऑसी डॉलर में नीचे की तरफ कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पे आपका दो दिन थोड़ा सा मीन्स आपका 28 सितंबर को एक पुल बैक आया, उसके बाद दो दिन 29-30 को कंसोलिडेट कर रहा है। अभी जैसे कि पहले ग्रीन कैंडल पे बाय नहीं करना है, उसके बाद रेड कैंडल आएगा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आएगा तो हम बाय कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। अभी यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है, आज बने या मंडे को बने, समथिंग लाइक दिस, तो हमें एक लॉन्ग बिल्डअप के लिए हम खेल सकते हैं। सीएनएच में अच्छा खासा इंटरवेंशन का एक्टिविटीज दिखा गया, बिकॉज व्हिच आपका 7.26 से ये है 7.10। अभी ये आपका एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन आया है, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोज दे देता है, उसके बाद लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस करता है, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ रिवर्सल इन ट्रेंड, अदरवाइज बाय डिप्स ही रहने वाला है। यूके ऑयल आपका 27 तारीख को बाउंस बैक किया, 28 तारीख को आपका क्रूड ऑयल इन्वेंट्री था उसमें भी अच्छा खासा उछाल देखा गया, अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शंस ऑब्जर्व करना है। 10 ईयर यूएस ट्रेजरी आपका 4.00 हाई मारने के बाद अभी है 3.79, थोड़ा यहाँ पे प्ले अराउंड करना चाहिए, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे ऊपर जब तक है, एक बार इसके नीचे क्लोज दे देगा, देन लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस करेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन थिंक अबाउट द रिवर्सल्स। तो अभी ये रिवर्सल नहीं है, ये है रिट्रेसमेंट्स। तो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।